भूगणे तपसान याति, बिना महत पाद रजोभिषेकम। उन्होंने ही पता भैया गुरु के चरण के रज के अभिषेक के बिना इस दुनिया में अपने अज्ञानता से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। तो ये परिवारों की संख्या, यहां भी बड़े परिवार, हमारे भागवत में इतना बड़ा परिवार का चर्चा है, एक परिवार से निकलेगा ऐसा ऐसा, एक ही परिवार का कथा करें तो साल भर तक चले। आपका इतना बड़ा परिवार है? बोला हमारा परिवार तो ऐसा है गुरुजी, 60 साल हो गया अभी तक निंदा करने से हम लोग उसी में चल रहे हैं। आपका परिवार भी कम बड़ा थोड़ी, उसी में डूबे हुए। दिव्याति दिव्य भाव से सृष्टि क्रम के बाद ये पांचों कथा भी, मैं कल हमें कृष्ण जी का जन्म कराना है ठाकुर जी का, चौथा दिवस है। तो आज हमको तो एक आदमी बोला था कि गजेंद्र मोक्ष तक पहुंच ही जाइएगा, तो हमको लगा हमारा मोक्ष हो ही जाएगा आज, लेकिन यहां तक पहुंच गए हम, ध्रुव तक आ गए, कर्दम देवहूति हो गया, अब बचा क्या है। अब कल तो हम बड़े आराम से ठाकुर जी, और एक बात याद रखना, ये श्रीमद् भागवत, ये कथाएं, ये सब लिफाफा है। इस लिफाफे के भीतर असली जिनको आना है वो कृष्ण ही हैं। हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए तो बात बन जाएगी, इसलिए बाकी कथा हमने जल्दी जल्दी कर ली है, लेकिन लिफाफे के भीतर का दक्षिणा कल आएगा पूरा। हाँ, ये सब लिफाफा है, लिफाफा थोड़ा कम बेसी भी इधर उधर रहेगा तो चलेगा, पर कल कृष्ण का जन्म, कृष्ण का आगमन जीवन में, नंद नंदन का आगमन, आनंद का आगमन कैसे जीवन में हो, इसकी कथा कल चलेगी। हम भी ज्यादा बकबक करने के मूड में नहीं, 7 बजे ही हमारा मामला बन जाए तो हम क्यों 7:30 बजाने जाएं। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा आप सब पर बनी रहे, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, बरिया नेस्ते। सुंदर प्रश्न का सुंदर उत्तर दे दिया है, कथा चल रहा है, अभी परीक्षित जी पूछते जाएंगे और हमारे गुरुदेव सुखदेव बोलते जाएंगे। सदगुरु का काम है हर समस्या को तपस्या बना करके जीवन में तुम्हें सफल कर देना, आज यही काम गुरुदेव सुखदेव कर रहे हैं। कल ध्रुव की चर्चा थोड़ी और अच्छे से कर देंगे, अगर इसमें से किसी का हम जरूरत समझे तो, बालक ध्रुव का या देवहूति कर्दम के विवाह के बारे में अच्छी चर्चा कर, देवहूति कर्दम का इतना सुंदर विवाह महाराज, इतनी दिव्य विवाह, कल उसकी चर्चा, सती का चरित्र का चर्चा कर देंगे कि जब सती जैसी भी गुरु का अपमान करके कथा नहीं सुनती तो उनको भी आत्महत्या करना पड़ जाता है। जगदम्बा देवी को आत्महत्या करना पड़ गया क्योंकि कथा का अपमान कर दिया, भगवान शिव ने सुना पर सती ने नहीं सुना, इसके कारण आत्महत्या करना पड़ा। देवहूति कर्दम का इतना सुंदर विवाह, देवहूति कर्दम ऋषि ऐसे देख रहे हैं, अरे बड़ा खराब लगा, वहां पर बैठे थे मनु सत्रुपा, बोला ये ऋषि है कि क्या है, बेटी को देखते जा रहा है सामने खड़ा होकर, ये तो आज भी ऐसा नहीं होता, एक टक ऐसे देखे जा रहे हैं, ऐसे करके ससुर ने कहा क्या देख रहा है, हम तो ऋषि समझ के आए थे, क्या देख रहे। तो ऐसे अपलक निगाहों से निहारते हुए कर्दम ऋषि ने कहा वाह 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 वाह, मैं देख रहा हूं देवहूति कितनी सुंदर है। थोड़ा और नाराज हो, आदमी ठीक नहीं लग रहा है, कैसे भेज दिए थे कि ऋषि है ये। बोला मैं देख रहा हूं वारे पिता वारे नारायण वारे ब्रह्मा जी, कैनवास वही है पर ऐसे ऐसे चित्र बना दिए इतने सुंदर सुंदर, मैं ये देख रहा हूं कि देवहूति इतनी सुंदर है तो हमारी राधा रानी और लक्ष्मी कितनी सुंदर होगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओहो मनु सतरूपा तो अरे बड़े ऐसा दामाद चाहिए, हम तो क्या सोच लिए थे बताओ, कुछ और सोच रहे, ऐसा दिव्याति दिव्य, ऐसे ऐसे दाम्पत्य जीवन की कथाएं हैं सुंदर, इनका दाम्पत्य देवहूति और कर्दम का दाम्पत्य श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन की कथा है। कल थोड़ा उसको भी छुएंगे ताकि आपका दाम्पत्य अच्छा हो जाए, आप इस दंपति के गुण से कुछ सीख सके, कुछ संपत्ति ले सके जीने का।